एक इंटरव्यू में शाहरुख खान से पूछा था कि उनके सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट है, और उन्होंने कहा था लोगों का क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनका ये मानना था कि जितना लोग क्रिटिसाइज करते थे उतना ही वो ज्यादा सुधरते थे। यार ये तो बहुत गहरी बात हो गई। फीवर अनप्लग पर मैं हूँ आरजे उर्मिन, और द मैन हु टुक एवरी क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे, इसीलिए तो वो बन गए किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान के इस बर्थडे स्पेशल एपिसोड पर आपका स्वागत है ऑन द फीवर अनप्लग शो। और देखिए ना, जहाँ बात इनके सक्सेस की आती है, तो उन्होंने कुछ 14 फिल्मफेयर अवार्ड जीते होंगे और 30 नॉमिनेशंस पाए होंगे। यही नहीं, 2005 में इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री का भी खिताब मिला। मैं समझती हूँ कि एक गाना उन्हीं की फिल्म से बिल्कुल हिट बैठता है उनकी लाइफ जर्नी पर। इसे गाया है 3 लोगों ने, कैलाश खेर, उदित नारायण एंड ऑफकोर्स हरी हरण जी, और इस फिल्म को कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इन 3 सिंगर्स में से है कैलाश खेर, जो कि सुनाएंगे स्वदेश फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और जिसका म्यूजिक दिया है A.R. रहमान जी ने। अ सॉन्ग दैट डिफाइंस SRK's लाइफ। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तके भैया, यह रास्ता है कह रहा अब तुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, हो यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। मैं एक्चुअली इस गाने की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी कि हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। फीवर 104.5 पर जिस इंसान ने अपने मन की सुनी, वो आज है द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। फीवर अनप्लग्ड के मेरे इस जर्नी में अभी तक के जितने भी सिंगर्स आए हैं, जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, देव सांग सम अनप्लग्ड सॉन्ग्स, उनमें से जिन्होंने शाहरुख खान जी के फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, वो आज मेरा साथ निभा रहे हैं ऑन द स्पेशल एपिसोड, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान्स बर्थडे। मैं हूं आरजे उर्मिन आपके साथ, एंड पिछले हफ्ते ही अदनान समी हमारे साथ थे, इट वॉज अ हिट शो। आपका बहुत बहुत प्यार मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन्होंने भी एक खूबसूरत गाना गाया फ्रॉम द फिल्म माई नेम इज खान, यस नूरे खुदा। मैं चाहूंगी कि मैं वो इंटरव्यू फिर से प्ले करूं, आपको सुनाऊं कि ये गाना जो है वो कैसे बना। We recorded it in YRF. और मजे की बात ये थी कि मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि किस तरह का गाना मैं रिकॉर्ड करने आ रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो एक बड़ा हसमुख किस्म का एटमोसफेयर था स्टूडियो में। मैंने सोचा कि ये डेफिनेटली दिस विल बी लाइक अ रियल, यू नो, पेपी काइंड ऑफ अ सॉन्ग, इट विल बी रियल अप टेम्पो काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो जब उन्होंने फिर फाइनली उन्होंने जब मुझे गाना सुनाया, तो मैंने कहा ओह हैंग ऑन अ सेकंड, आई हैव टू गेट माय इमोशंस बैक टू समथिंग, मैं तो किसी और हवा में उड़ रहा हूँ, मैं तो किसी और एटमोसफेयर में हूँ, ये तो गाना जो है ये तो बिल्कुल अलग जोन में है। एंड फिर कहीं पे, यू नो, आई हैड जस्ट लॉस्ट माय फादर, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई फिनिश्ड द सॉन्ग, उन्होंने कहा कि I remember them saying that, listen, you know, जिस मूड में आप अंदर आए थे, हम बहुत उस तरह से skeptic थे कि how are we going to get you into this mood? And I think the lines that you just said, you know, I think I should write that down, ki you said something about, you know, music is what feelings should actually sound like. Yes. And ye bilkul aapne sahi kaha, because this song is the right example for it. Exactly. Noor e Khuda. Yeah. Ho jaye. अजनबी मोड़ है, खौफ हर ओर है, हर नजर पे धुआं छा गया, पल भर में जाने क्या खो गया, आसमां जर्द है, आह भी सर्द है,
तन से साया जुदा हो गया, पल भर में जाने क्या हो गया, सांसें रुक सी गई, जिस्म छिल सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया, नूरे खुदा नूरे खुदा तू कहां छुपाए हमें ये तो बता, नूरे खुदा नूरे खुदा यू ना हमसे नजरे फिरा, a very very special film kyunki Shahrukh Khan and Kajol is hit jodi ko hame phir se dekhne ka mauka mila. This is the sixth film of Kajol with Shahrukh Khan and of course Karan Johar. Lekin khaas baat is film ki ye bhi hai ki is film My Name is Khan ne Shahrukh Khan ko unka 8th film fare award jitaya for best actor. Iska matlab ye tha ki Dilip Kumar ji ke baad Shahrukh Khan ne इस रिकॉर्ड को कायम किया टू विन मैक्सिमम अवार्ड्स इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी. अच्छा हम सब जानते हैं कि 1988 से टेलीविजन के जरिए इन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन कौन जानता था कि टेलीविजन का ये जो स्टार है वो एक सुपरस्टार बन जाएगा. फीवर अनप्लग पर मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ एंड इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन 10 सॉन्ग्स जो शाहरुख खान के हिट गाने हैं, क्योंकि ऐसा है कि फिल्में कैसी भी हो शाहरुख खान अगर उस फिल्म में है तो समहाउ वो गाने जो है हिट हो ही जाते हैं. मगर फिर भी एक जादू चला जब तक है जान में A.R. रहमान जी, गुलजार साहब, यश चोपड़ा और शाहरुख खान एक साथ हुए. मेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान. Fever Unplugged पर इसी रोमांस किंग के गानों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज ऑन द शो. थोड़ी देर पहले आपने हरदीप कौर का तो एक खूबसूरत गाना सुना ही, लेकिन इस फिल्म में एक और बड़ा मस्ती भरा गाना है जिसमें शाहरुख खान की डांसिंग की बहुत तारीफ की गई थी विद कटरीना कैफ. आई एम टॉकिंग अबाउट इश्क शवा बाय शिल्पा राव. आइए सुनते हैं इस गाने की कहानी. इश्क शवा इज एक्चुअली इश्क शवा मुश्क शवा, मुश्क इज द फ्रेग्रेंस. So it's I think the atmosphere of love. Yeah. Oh, it is all about love. It is all about love. Is Shava ke baare mein baat karne se pehle A.R. Rahman, when I talk about this one outstanding person, kya kahengi aap? He's not what he, you know, seems like. He's not serious, you know. But when you work with him, he talks so much. Really? Yeah. I used to think, you know, bahut shant rehte hain, you know, thode wo apna apne mein kaam wo kar rahe hain. But he's pretty chatty, you know, and it was very pleasantly surprising and we had a great time. Lovely. And I'm sure ki is gaane ko sunte waqt bhi we'll have a great time. To Shilpa Rao ki awaaz, Ishq Shava ho jaye unplugged. Ishq Shava, Mushk Shava, Khushamadeede Marhaba. Ishq Shava, Mushk Shava, Khushamadeede Marhaba. Mela 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 aankh mila. लगा 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 आग लगा जरा 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 पास तो आ खुशामदीदे मरहबा. इश्क शवा मुश्क शवा, इश्क शवा मुश्क शवा, खुशामदीदे मरहबा. फीवर 104 FM सुन रहे हैं आप और मैं हूँ RJ उर्मिन और आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वेरी स्पेशल शाहरुख खान बर्थडे एपिसोड फीवर अनप्लग्ड पर, जहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शाहरुख खान की जन्मदिन को म्यूजिकली. मेरे साथ एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने शाहरुख खान के लिए डॉन द चेस बिगिंस अगेन जो पहला डॉन बना था उसका टाइटल ट्रैक गाया. आई एम टॉकिंग अबाउट शान. शान थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड शाहरुख खान के साथ कभी अलविदा ना कहना, ओम शांति ओम, डॉन जैसी फिल्मों में आपने गाने गाए हैं, लेकिन ये जो टाइटल ट्रैक की हम बात कर रहे हैं
ये कैसे बना प्लीज हमें बताएं। मैं हूँ डॉन। जब गाने गया था तो मैं गोवा से छुट्टी मना कर आया था, और मैं गोवा में इनफैक्ट जब था तो एहसान का फोन आया था और कहा कि यार एक गाना है और इसके लिए सिंगर नहीं मिल रहा है और डॉन का टाइटल ट्रैक है, तो कोई है जिसे तुम सजेस्ट करना चाहोगे? बहुत जल रहा था अंदर से यार, लेकिन बाहर से मैं कहूँ भी कैसे कि मैं ही गाऊंगा। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों ना, कौन गा सकता है, किशोर दा ने गाया था ये। उन्होंने नहीं, वो गाना अभी हम लोगों ने नया बनाया। तो बहुत मुझे पहले तो बहुत तरसा है, बहुत तड़पाया, मैंने काफी सारे नाम लिए, ये वो सारे नाम लिए जिनसे मैं आशा कर रहा था कि उनसे नहीं गवाएंगे वो। फिर फाइनली बोला ठीक है काम करते हैं, तुम ही से गवा देते हैं, आ जाओ जल्दी से कल ये गाना गाओ। एंड यू नो आई वाज एक्सटेरिक बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी हाइप फिल्म, एंड उस एक्सटेरिक स्टेट में आवाज कुछ खास ठीक नहीं थी उस दिन, और मैं हूँ डॉन, वो डॉन के जगह पता है कभी ऐसी आवाज आती थी। और गाना गाने से पहले लास्ट ट्रैक में बोला ट्राई करना, तो मैंने काफी डॉन के पहले डंड बैट की किए थे। लेकिन गाना तो कमाल का था और कमाल का है, क्योंकि हम सुनना चाहेंगे इसे अनप्लग्ड आपकी आवाज में। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। मुझे जंगलियां चल जंगली बिल्लियां पसंद नहीं। जरा देखो कौन आ गया है जहां पे, जो यूं छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। ऐसा दिलदार आया है कौन, मुझको पहचान ले, मैं हूं डॉन। थैंक यू वेरी मच शान। वैसे मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ कि आप मुझे स्पेशल्स पर ही मिलते हैं। पिछली बार किशोर कुमार जी के जन्मदिन पर आपसे बात हुई थी, और आज शाहरुख खान के बर्थडे पर बहुत जल्द आपसे एक पूरा अनप्लग्ड शो भी मुझे करवाना है। तो चलिए इसी के साथ आज का शो यही खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको ये शाहरुख खान स्पेशल फीवर अनप्लग्ड शो पसंद आया हो। अपनी बातें मुझ तक जरूर पहुंचाए फेसबुक या फिर ट्विटर पर आरजे उर्मिन के नाम से। गाइज मैं हर एक मैसेज पढ़ती हूँ, तो जरूर मुझे लिखिएगा, मुझे अच्छा लगता है, आपके फीडबैक्स की मुझे जरूरत है। एंड ऑल्सो आप कौन से आर्टिस्ट को अगले हफ्ते सुनना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उनको फोन करके बुला सकूं यार। चलिए इसी के साथ हैव अ ग्रेट इवनिंग, सुनते रहिए फीवर 104 FM, एंड ऑफ कोर्स स्टे अनप्लग्ड विद म्यूजिक, क्योंकि ऐसे ही तो बनता है म्यूजिक का मूड।